अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपनी रेसिपी में दो ड्रिंक्स की रेसिपीज शेयर करने जा रहे हैं। पहली ड्रिंक जो हम बनाएंगे वो है आलू बुखारे का शरबत। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं, आपने ले लेने हैं आलू बुखारे तकरीबन एक पाव के करीब, नमक और सादा ठंडा पानी, और इस ड्रिंक में जाएगी 4 से 5 चम्मच चीनी। और ये चीनी हम ऐड करेंगे जब हम एक दफा ब्लेंड कर लेंगे मिक्सचर, उसके बाद फिर ब्लेंड करने के बाद बीच में चीनी ऐड करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपने आलू बुखारे लेने हैं और इनमें से जो गुठली है वो अलग कर लेनी है। अच्छा, ये आलू बुखारे का जो शरबत है ये होममेड, ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। जिस तरह की गर्मी आजकल है उसमें जैसे हम लोग बाहर काम के लिए भी जाते हैं तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा नरिशिंग है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। और वैसे भी आपके घर गेस्ट आ जाए तो आप ये उनको दे सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट किस्म का शरबत बनेगा। ओके, इस तरह से हमने आलू बुखारे जो है उनकी पल्प अलग कर लेना है और गुठलियां अलग कर लेनी है। ठीक है, अब ये तकरीबन मैंने 5 आलू बुखारे जो है इनका पल्प जो है वो लिया है, इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। ठीक है, ये ब्लेंडर में जाएंगे आलू बुखारे, इसमें हम तकरीबन ये 1/2 लीटर के करीब पानी डालेंगे, 2 से 3 ग्लास। और इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। हमने इसको जूसर में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, और ये हमारा मजेदार सा आलू बुखारे का ड्रिंक जो है वो तैयार है। अब हम इसे जग में डालेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। जो हम तैयार करने जा रहे हैं ये है मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा के लिए हमें जो रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं सॉल्ट, शुगर, लेमन एंड मिंट। और बाद में जब ड्रिंक तैयार हो जाएगा तो उसमें टेस्ट और फ्लेवर के लिए 7-अप। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मिंट मार्गरीटा के लिए। सबसे पहले हम यूं करेंगे कि ये जो मिंट है, पुदीना है, इसके पत्ते जो हैं वो अलग कर लेंगे डंडी से और हमें सिर्फ इसके लीव्स जो हैं वो यूज़ करने। इसमें जाएंगे 2 अदद लीमू का रस और 3 से 4 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक। ये दोनों जूसेस जो हैं ये गर्मी में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हैं। आप गर्मी में जॉब से वापस आते हैं, काम से, बाहर से, या वैसे बाहर से वापस आते हैं, आप ये जूसेस बनाएं पिएं तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी हैं, टेस्टी भी हैं और हीट को किल करने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। इसके अलावा बच्चों को बना कर दें, बच्चे जो हैं बाजार के जूसेस यूजुअली यूज़ जो हम करते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि इसमें सब चीज़ें जो हैं वो फ्रेश हैं। और इसके अलावा आपके गेस्ट आएँ तो आप उनको ये बनाकर सर्व कर सकते हैं और इनकी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं और आपके गेस्ट जो हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये हमने 3 से 4 कप पानी लिया, इसमें ये हम पुदीने के पत्ते डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक जाएगी, ये इसमें 2 लीमू का रस जाएगा और ये मैंने 4 चम्मच चीनी रखी है, ये 4 चम्मच चीनी
अब हम इस सब मिक्सचर को ब्लेंड कर लेंगे। ओके, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड किया। अब हम इसे जग में डालेंगे और इसमें 7-Up ऐड करेंगे। ओके, ये अब इसमें इस मिक्सचर को हमने जग में डाला और इसमें जाएगी 7-Up। ये हमने 1/2 लीटर 7-Up इस मिक्सचर में ऐड कर दी। ठीक है, अब ये हमारा मिंट मार्गरिटा रेडी है। अब हम बच्चों को सर्व करेंगे। ओके बेबीज, आप लोगों के लिए दोनों ड्रिंक्स रेडी है। साथ आप कौन सा ड्रिंक पीना चाहेंगे? इस ड्रिंक का क्या नाम है? मिंट मार्गरिटा। और जनाब, आप कौन सा ड्रिंक पीना चाहेंगी? आप ये ड्रिंक पीना चाहेंगी? आलू बुखारा ड्रिंक। ओके, थैंक यू मम्मी। जनाब, पीकर बताएं कि आपको हमारा ड्रिंक कैसा लगा? पी तो ले, साथ आप भी पीकर बताएं कि आपको हमारा ड्रिंक कैसा लगा। साथ आपको हमारा ड्रिंक कैसा लगा? बहुत अच्छा, डिलीशियस। बच्चों को बनाकर दें। बच्चे जो हैं बाजार के जूसेस यूजली यूज जो हम करते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि इसमें सब चीज़ें जो हैं वो फ्रेश हैं। और इसके अलावा आपके गेस्ट आएँ तो आप उनको ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। और इनकी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं और आपके गेस्ट जो हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। यूनिक और डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी, और ऐसी रेसिपी है जो झटपट तैयार हो सकती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तैयारी में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो ये जूसेस आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको दोनों ड्रिंक्स जो हैं उनकी रेसिपीज़ कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।